बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब से लाई हूँ आपके साथ, मैं आपको दे दूंगा आज की एक अपडेट। इंटरनेशनल फ्लाइट्स के मुतल्लिक ही अपडेट मैं इससे बोलूंगा, क्योंकि कल से सोशल मीडिया के ऊपर भाई ये कंफर्म कर दिया गया, यानी कि वजारत दाखिला की तरफ से, जवाजात की तरफ से इस चीज को भाई ट्विटर अकाउंट्स के ऊपर शेयर कर दिया गया है। ट्वीट क्या है आप भाई, यहां पर मैं अभी दिखा भी रखा हूं कि सऊदी अरेबिया में दोनों वैक्सीन की डोज अभी लाजम करार दे दी गई है। अच्छा, इससे भाई फ्लैट्स के ऊपर क्या असर होने वाला है, और हम जो गैर मुल्की यहां पर मुकीम हैं, हमें अभी क्या करना चाहिए, यानी कि हमें भाई इस चीज का क्या असर होने वाला है। सबसे पहले तो हमें हम जो गैर मुल्की सऊदी साहब इसमें आते हैं, लेकिन हम भाइयों को मैं मुखातिब करके बोल रहा हूं कि आप भाई नकल जमाई के ऊपर सफर करना चाहते हैं एक से दूसरे शहर का, तो आपके त्वक्कलना के ऊपर इम्यून, यानी कि दोनों डोज का कंप्लीट होनी चाहिए, इम्यून होनी चाहिए बिल्कुल। अच्छा, त्वक्कलना को अपनी अपडेट करें, या त्वक्कलना में कोई किसी का मसला है तो वो भी अभी से क्लियर कर लें। उसके बाद हाल ही में मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर चुका हूं मॉल्स वगैरह की और यौमल वतनी के लिहाज से, तो यौमल वतनी के ऊपर भाई मैं एक कारफोर में था, मैंने जिद्दा कॉर्नर्स पर भी था, जिद्दा कॉर्नर्स पर इतना रश था कि मैं वीडियो नहीं बना सकता था, इतनी खवातीन थी। अच्छा, यहां पर मैं आपको कारफोर से एक वीडियो दिखा रहा हूं जो मैंने आपके साथ शेयर की थी। कारफोर में भी इतना रश था खवातीन का कि पांव रखने की जगह नहीं थी। अच्छा, आप कारफोर जाते हैं या उथीम मार्केट, आपको पता ही हम गैर मुल्की भाई जहां पर डिस्काउंट वगैरह लगती है खाने पीने की चीजों के लिहाज से, या छुट्टी जाने के टाइम हम जाते हैं इन तमाम मार्केट्स में, इन तमाम मॉल्स में, इन सैर तफरी के मकाम के ऊपर, जैसे कि जिद्दा कॉर्नर्स या कोई भी और आप सैर तफरी के मकाम के ऊपर जाते हैं, तो आपकी दोनों डोज कंप्लीट होनी चाहिए। और ये बिल ऐसे नहीं कहा गया है, यहां पर उसके मुताबिक डेट दे दी गई है, यानी कि 10-10 इस माह की 10 तारीख तक ये, इसके बाद यानी कि इसके ऊपर अमल दरामद शुरू कर दिया जाएगा। और इसके बाद कोई भी ऐसा बंदा जिसकी वैक्सीन की दोनों डोज कंप्लीट नहीं होगी, वो भाई ना तो नकल जमाई की टिकट ले सकता है, ना किसी प्राइवेट टैक्सी में सफर कर सकता है, ना अलबेग वगैरह, ताजर वगैरह, किसी मॉल वगैरह में इंटर हो सकता है। अभी बात कर लेते हैं फ्लैट्स के मुतल्लिक, तो इंटरनेशनल फ्लैट्स के ऊपर इसका क्या असर होगा। पहले तो आपको यह बता दूं, मैं सऊदी अरेबिया की तमाम तर फ्लैट्स के में, जैसा कि आप डोमेस्टिक फ्लाइट, जैसा कि आप दमाम से रियाज, रियाज से तबूक, तबूक से भाई जिजान, इन शहरों में अगर किसी भी शहर की टिकट लेते हैं किसी भी शहर से, तो आपकी दोनों डोज कंप्लीट होनी चाहिए, वरना आपको टिकट मिलेगी ही नहीं। अच्छा, इसमें रेलवे भी आएगी, जैसा कि मदीना टू जद्दा टू मक्का के लिए आप रेलवे में अगर सफर करना चाहते हैं तो वो भी इसी में आएगी, वहां पर भी आपकी दोनों डोज कंप्लीट होनी चाहिए। इंटरनेशनल फ्लाइट्स के मुतल्लिक क्या है, अभी आपकी अगर टिकट है 10 अक्टूबर से पहले की तो आप जा सकते हैं, ठीक है जी, आपने वैक्सीन की चाहे एक डोज ली है चाहे दोनों ली है, लेकिन 10 अक्टूबर के बाद अगर आपकी आप टिकट वगैरह लेते हैं पाकिस्तान, इंडिया वगैरह, बांग्लादेश वगैरह के लिए, तो भाई आपकी दोनों डोज कंप्लीट लाजम होनी चाहिए, यानी कि 10 अक्टूबर के बाद, 10वीं माह की 10 तारीख, इसी माह की 10 तारीख के बाद आपको भाई टिकट नहीं मिलेगी, आपकी अगर वैक्सीन की डोज कंप्लीट नहीं होगी। इसके मतलब आपको पता है जी कि जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स बहाल हैं, जिन भाइयों ने यहां से दोनों डोज कंप्लीट की थी वो तो आ रखे हैं, तो वही अभी सर्किट भाई यहां पर भी लागू कर दिया गया है, यहां से जाने के लिए भी ये दोनों डोज लाजम करार दे दी गई है। तो रही इंटरनेशनल फ्लाइट्स के मतलब बात, तो इंशाल्लाह ताला मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ या आने वाली कुछ वीडियोज में आपके साथ उसके मुकम्मल एक तफसील शेयर करूंगा कि बिलाल अकबर साहब के कल के जो ट्वीट किए गए हैं उनके मतलब बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।